देखो बेटा, ये सवाल कितना अच्छा है। किसी ने पूछा है हमसे, उन्होंने अपना नाम भी नहीं दिया है और शहर का नाम नहीं बताया है। जब इसको देखेगा तो कमेंट में अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिख दीजिएगा। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि द कनेक्शन शोन इन द फिगर आर इस्टेब्लिश विद द स्विच ओपन। ये आपको एक स्विच दिखाई दे रहा है और ये स्विच ओपन है। और क्या दिख रहा है आपको? चार कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं, एक माइक्रो, दो माइक्रो, दो माइक्रो और एक माइक्रो का, और एक वोल्टेज सोर्स दिखाई दे रहा है 24 वोल्ट का। कह क्या रहे हैं? द चार्ज विच फ्लो थ्रू द स्विच इफ इट इज क्लोज। यानी कि हिंदी में बोले, सरल भाषा में बोले तो अगर आप स्विच को क्लोज कर देंगे तो चार्ज कितना फ्लो करेगा। दोस्तों आपने दो चीज देखी थी, रेजिस्टेंस होता था करंट फ्लो करती थी, कैपेसिटर्स होगा तो चार्ज फ्लो करेगा। जो भी फ्लो होता है वो कौन सा पाथ फॉलो करता है, पाथ कौन सा फॉलो करता है? करंट किसकी वजह से फ्लो होती है? रेजिस्टेंस की वजह से होती है। तो आपका पाथ कौन सा फॉलो करेगा? अगर एक कॉम्प्लिकेटेड रेजिस्टेंस दिया है आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दिया है, तो कौन सा पाथ फॉलो करेगा? मिनिमम रेजिस्टेंस वाला। मिनिमम रेजिस्टेंस वाला पाथ फॉलो करती है करंट। ये बेसिक लॉ है, बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स है। इसलिए चार्ज, चार्ज किसकी वजह से बेटा? कैपेसिटर्स की। तो कैपेसिटर का जो चार्ज फ्लो करेगा उसका पाथ क्या होगा? जिस पाथ पे मिनिमम कैपेसिटेंस होगा, जिस पाथ का मिनिमम कैपेसिटेंस होगा उस पाथ से चार्ज फ्लो करेगा। बस यही ब्यूटी थी जो बेटा आपको नहीं समझ में आ रही थी। अब आइए पाथ देखते हैं। ये पॉजिटिव है बेटा, यहां चला आप, यहां से एक पाथ ये हुआ, ये स्विच क्लोज हुआ, एम आई राइट? ये हुआ और ये पाथ होता हुआ एक कंप्लीट यहां पहुंच गया, ठीक। यानी एक पाथ ऐसा मिला जिसमें एक माइक्रो और एक माइक्रो, यानी कि अगर हम इसको पाथ वन कहें तो इस पे दो कैपेसिटर्स हैं, एक माइक्रो और दूसरा जो है बेटा वो भी एक माइक्रो का है। तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आप जानते ही हैं, ये क्या है बेटा? सीरीज में है, देखिए बिल्कुल सीधे चला रहा है, सीरीज में है। तो आप कह देंगे सर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1, अर्थात 1/2 यानी 0.5 माइक्रोफेरेट। अब आइए दूसरा पाथ ढूंढ लेते हैं। दूसरा पाथ क्या हो सकता है? इंक थोड़ी सी डार्क ले रहे हैं, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, और हमने थोड़ी सी डार्क इंक नीली वाली ले ली। दूसरा पाथ क्या होगा? 2 माइक्रोफेरेट से चला और ये चला, स्विच क्लोज था, इधर आया, ये आया, ये देखें इस पाथ से होता हुआ यहां पहुंच गया। यानी दूसरा पाथ आपको दिख रहा है ये वाला, एम राइट? यहां से होता हुआ क्लोज पाथ है, देखिए बेटा ये क्लोज पाथ है, ये होता हुआ यहां पहुंचा। यानी पार्ट टू दिया आपने, पार्ट टू पे C1 क्या मिला? 2 माइक्रोफेरेट का मिला, और आपने देखा क्लोज पाथ चाहिए था, इधर से होता हुआ स्विच, स्विच क्लोज करना है। ये ना कहिएगा डायरेक्ट याद चलाएगा, स्विच क्लोज करना है, यानी कि स्विच से जो पास हो रहा है उस पे ध्यान देना है। C2 आपका 2 माइक्रोफेरेट का, तो स्विच क्लोज कर रहा है यानी कि रास्ते में स्विच आना ही चाहिए। अब इसका देख लीजिए, मान लीजिए C- कर ले, दोनों सीरीज में दिख रहे हैं बेटा, ऊपर गुणा नीचे जोड़, तो ये हो गया 4/4 यानी 1 माइक्रो कूलाम का। तो देखिए कौन छोटा है, आपको मिनिमम कैपेसिटेंस वाला पाथ देखना है जहां से चार्ज फ्लो करेगा, सब स्विच को क्लोज करेंगे। तो आप देखिए C- is greater than C, यानी ये वाला पाथ को फॉलो करेगा जो कि 0.5 माइक्रो कूलाम माइक्रोफेरेट का है, ना कि इसका। चार्ज कितना होगा? चार्ज आपको मालूम है, क्यों? एक ही फार्मूला है, Q=CV। बस काम बन गया, सी आपको मिल गया कि ये वाला पाथ फॉलो करेगा, और वोल्टेज आपको मालूम है पैरेलल में, ये सब ऐसा लगा हुआ है बिल्कुल 24 वोल्ट का, सारे कैपेसिटर के क्रॉस गुणा कर दीजिए, 5 चौक 20, 10 2 12, 1 के बाद दशमलव,
यूनिट हो जाएगी माइक्रो फैरेड का, तो माइक्रो कूलाम हो जाएगी, यानी 12 माइक्रो कूलाम जो है वो चार्ज फ्लो करेगा। तो दोस्तों बिल्कुल बेसिक फिजिक्स ये थी कि अगर ये चीज आपको मालूम है कि मिनिमम कैपेसिटेंस वाला पाथ करेगा, तो बड़े आराम से बगैर कंफ्यूजन के ही सवाल आप भी हल कर लेते हैं। सवाल भेजते रहिए, आपके सवालों की मेरे को प्रतीक्षा रहती है।